तातियागंज एसएसबी कैंप के पीछे पंडई नदी में नहाने आए लगभग 6 बच्चों में से एक बच्चा डूब गया है। नहाने के दौरान पैर फिसलने से सोनू आलम पिता नौशाद आलम दियोलिया वार्ड 24 निवासी नदी में डूब गया। ग्रामीणों ने नदी के दोनों छोर से रस्सी लगाकर नदी में खोजबीन शुरू करी है, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक डूबे हुए बच्चे का पता नहीं चल सका है। आसपास के लोगों द्वारा प्रशासन को फोन किया गया, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद भी प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंचने से स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। अगर प्रशासन समय रहते आ जाती तो स्थिति कुछ और होती, बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं मिला। स्थानीय लोगों द्वारा खोजबीन जारी है। घटनास्थल पर शिकारपुर थाना पुलिस पहुंच चुकी है। नहाने कितने वर्ष का है? 12 बरस के बाद। 12 बरस के बाद हमर बाबू। कैसे पता चला आपको? लड़का ने कसन कहले तब जननी है त दौड़े लई। का नाम पड़ी बाबू के? सोनू नाम। शाम संध्या 5 बजे हम लोगों को खबर चला कि हमारे गांव दिले वार्ड नंबर 24 का एक सोनू नामक लड़का जो नदी में नहाने के दौरान डूब गया। तो हमने पहले जिला प्रशासन को यानी डीएम साहब को फ़ोन लगाया, तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं हो पाया। उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं चाहिए तो दे दूंगा। साथ ही अनुमंडल प्रशासन को बताया तो उसको स्थिति अवगत होने के बाद भी 2 घंटे तक प्रशासन मौन है। सीओ साहब का फ़ोन बंद आ रहा है, वीडियो साहब का फ़ोन नहीं उठा रही हैं। हमने विधायक को फ़ोन किया है, विधायक साहब ने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी कुछ करवाता हूँ। आप लोग अपने स्तर से क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने स्तर से ग्रामीण के साथ सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो बन पड़ रहा है कर रहे हैं। कितने घंटों से आप लोग खोज रहे हैं? लगभग 2 घंटा हो गया, प्रशासन अभी तक नहीं आई। कितने देर पहले प्रशासन को आपने सूचना दिया था? लगभग 5-10 में मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं दिखा दूंगा। मतलब समय कितना देर हो गया होगा सूचना दिए हुए? 1.5 घंटे तो समथिंग हो गए हैं। हम लोग गाँव ग्रामीण से जो सामर्थ बन पड़ा है हम लोग आए हैं कर रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज। नालंदा कॉलेज परिसर में शिक्षकेतर कर्मियों को मगध विश्वविद्यालय बोधगया के वेतन निर्धारण अनुरूप वेतन के संबंध को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेश के आलोक में ACP MCP का आलाप देते हुए और वेतन विसंगत निराकरण के पश्चात महाविद्यालय में कार्यरत जिन शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन निर्धारण मगध विश्वविद्यालय बोधगया द्वारा किया गया है, उनके वेतन निर्धारण के अनुसार वेतन भुगतान का आदेश देने का निर्णय कुलपति द्वारा दी गई है। बावजूद कॉलेज प्रबंधन के द्वारा 30 कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में विरोध का स्वर गूंजने लगा है। इसी एक सूत्री मांग को लेकर आज से नालंदा कॉलेज शिक्षकेतर कर्मियों के द्वारा कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जब तक इनकी मांगों पर पहल नहीं की जाती तब तक के धरने पर बैठे रहेंगे। हम लोग को पता चला था, हम लोग मगध विश्वविद्यालय से शिक्षकेतर करा करके लाए तो 4 महीना पेमेंट भी किए। और बाद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से लेटर आया कि लोग सही जाँच करा करके वेतन भुगतान किया जाए, पेमेंट रोक दी। ये कहने की तुम लोग शिक्षकेतर करा के लाइए, वहाँ से यूनिवर्सिटी से लेटर हम पेमेंट कर देंगे। जब लेटर आ गया 6 तारीख को तो फिर टाल मटोल की नीति कर रहे हैं कि भाई जायज है ये नहीं जायज है, इसको क्या मान है आप लोग? कुछ नहीं सर, ACP MACP और नया वेतन 26 को स्केल जो हुआ चेंज वही को मांग है। कितना कर्मी है जिनका वेतन अभी रुका हुआ है? वेतन तो मिल रहा है सर, लेकिन वही कटौती कर दी है, 8-9 हज़ार का घटा हम लोग का चपरासी, टोटल चपरासी का है। कितने हैं? करीब 28-30 को है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मिथुन कुमार की रिपोर्ट, नालंदा, बिहार। कटिहार जिले के 6 प्रखंड इस समय पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। कटिहार के कदवा, बलरामपुर, आजमनगर, बारसोई, आमदाबाद और डंडखोरा प्रखंड इस वक्त बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। इन प्रखंडों के कई कई पंचायतों में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। कदवा प्रखंड के 7 पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित माने जा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रखंडों में भी कई कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित होने की पुष्टि की जा रही है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। लोग बांधों, स्कूलों और ऊंची जगहों पर आशियाना बनाकर किसी तरह पानी निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बाढ़ से लाखों हेक्टेयर जमीन की फसलों को भी क्षति पहुंची है। हालांकि प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने की बात कही जा रही है। वहीं जिला पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव राहत पहुंचाने की बात कही थी, किन 3 दिन गुजरने के बाद भी प्रभावितों को अब तक राहत सामग्री मुहैया नहीं की गई, जिससे बाढ़ पीड़ितों में आक्रोश पाया जा रहा है। जबकि अब तक उन्हें प्लास्टिक, मोमबत्ती, माचिस, खाद्य सामग्री आदि का प्रभावितों तक पहुँच जाना चाहिए था तथा उनके रहने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए थी। ये कौन सी जगह है? सोनापुर है। सोनापुर, ये झौवा ब्रिज पर आप खड़े हैं, इसके नीचे से कौन सी नदी बह रही है? मानव
प्रशासन में, ये कब से ये बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है? परसों से। ये आज दिन भर की क्या स्थिति रही है? अभी तेजी में बढ़ रहा है पानी, पानी बहुत तेजी में बढ़ रहा है। अच्छा, आसपास में जो घर है क्या उन घरों में भी पानी घुसा है? कितना घर में घुस गया है, कितना घर घुस चुका है? लोग कहाँ है, दूसरी तरफ पनाह ले रहे हैं कि घर अपने अपने घरों में ही ले रहा है दूसरी तरह? अभी नहादी बांध पर जा रहा है। अच्छा, कोई पदाधिकारी प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह अभी तक नहीं आया? देखने के लिए कोई नहीं आया देखने के लिए? क्या नाम हुआ? हमारा नाम दीपक कुमार चौधरी। कौन सी जगह है ये? सोनापुर। ये कौन सा पुल है? ये कौन सा गांव है? ये तो दिलशादपुर बोलता है। दिलशादपुर बोलता है। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है आप लोगों का? हम लोग का यहाँ वार्ड नंबर है 7 का। वार्ड नंबर 7। पंचायत कौन सी है? मधाईपुर पंचायत। पंचायत मधाईपुर पंचायत। अच्छा, कितना घर प्रभावित है इससे बाढ़ से? अनिल, आप लोग कितने घर प्रभावित हैं बाढ़ से? कितने लोगों के घर? 52 घर। 52 घर प्रभावित हैं। अच्छा अच्छा, सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ मिला है अभी तक कि नहीं? कुछ नहीं मिला। वो घर हमारा नदी में पड़ा हुआ। यहाँ बांध पर कितने लोग हैं अभी? कितना परिवार है? 20 से ज्यादा परिवार बांध पर अभी शरण लिए हुए हैं। हाँ, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली, कोई राहत नहीं मिली आप लोगों को। टीवी इंडिया न्यूज के लिए कलाम की रिपोर्ट, बिहार। रुपौली प्रखंड अंतर्गत गांव टोपड़ा बिनटोली गांव से सटे कोसी नदी है जो 20 दिनों से लगातार कटाव करती जा रही है, जिसमें तकरीबन कई दर्जन घर कोसी की आगोश में समा चुके हैं। बता दूं कि कटाव इस प्रकार तेज है कि जमीन प्रतिदिन 10 से 15 फीट कट जाती है। यहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है। कोसी नदी के इस कदर अपना रुख अख्तियार कर लिया है कि यहां के लोग रात भर जागा करते हैं। इतना ही नहीं, मवेशी भी पानी में बह गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को रहने को ना तो घर बचा है, ना ही मवेशी को खाने को कोई चारा। जबकि इस मौके पर भवा परोल पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि रविंद्र कुमार शर्मा इस विपदा की घड़ी में लोगों के साथ हैं और जो भी मदद है वो भरसक करते हैं। पीड़ितों में पांचू महतो, कपिल महतो, माणिक महतो, जंगली महतो, गौतम जायसवाल, पिंटू शर्मा, मंटू शर्मा आदि लोग शामिल हैं। लगभग रोज कितना मतलब इसमें कट रहा है, कटंती कितना है लगभग? रोज गिरबे करता चार धसना पांच। अभी तक वो जो वहां फीट कितना कट रहा है, लगभग कितना फीट कट रहा है रोज? रोज कम से कम 10 फीट से अभी बेसी भाग रहा है। तो इसके अभी तक में लगभग कितना घर कट चुका है? घर कम से कम धर लीजिए यहाँ 30-35 घर तो ये पर से खेला खत्म हो चुका है अभी। तो आप लोग कहाँ जाके अभी बसे हैं? अभी तो इधर ऊपर में किसी स्थान के ऊपर में बढ़ा बढ़ा को रख रहे हैं। मवेशी सबको कहाँ रखे हैं? मवेशी सबको वही अभी देखते हैं कि कादा पानी सब में उसे धरा हुआ है, सिर्फ भट्ठों ने कादा हो गया उसमें रखा गया है। मतलब आज 15-20 दिन से कट रही है? कट रही है, मगर कितने ही आया इनकारी और कोई सुनवा नहीं चल सका, कोई सुनवा नहीं दिया। आप लोग को कोई राहत? राहत हमारा से कभी कोई राहत नहीं, नहीं हमारा से कोई जगह जमीन है नहीं कुछ है जी। एक तो साव का जमीन में किसी तरह से खदा में जाजा को धरते हैं, पूरा सब कुछ ऐसे धरा हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई मंत्री विधायक भी आए हुए हैं क्या? हाँ आए थे। हाँ तो उनसे क्या बात हुई? वो बोली कि चलो हम बोरा उड़ा को साधन करते हैं, मगर कोई सुनवा नहीं हुआ। फिर वो भी गया तो चलते रह गया। फिर उसके बाद पत्रकार भी आए, पत्रकार भी अपना फोटो वोटो लेके वो भी चला गया, कहूँ कोई भी नहीं हमारा की सुनवाई है। जी 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 जी। और सीओ साहब आए थे यहाँ क्या? हाँ सीओ साहब भी आए थे, दो गो से पूरा 3 गो से आए थे। उसके बाद वो भी फोटो वोटो अपना सब कुछ लेके गया, मगर कोई भी सुनवा नहीं आया। तो ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके मुखिया यहाँ का कौन है? मुखिया मुजाहिर हो गया अंधेरी का। लेकिन देखने के लिए नहीं आते हैं? वो भी आए थे, उसी को संग में आया था। आपका समिति कौन है? समिति साहब तो इसी जगह है। लेकिन समिति साहब का आपका यहाँ पे जायजा लेने के लिए आए हुए हैं कि आपकी कटाव को चाहे आपको राहत मिले, आपके जो भी लाभ हो वह मिले, मवेशी को चारा मिले, सब कुछ इनके लिए आपके समिति साहब आए हैं भवा परवल से। हाँ जी जी, आपकी सहायता जो भी होगी आपकी सहायता दिलाई जाएगी जी। ठीक है, धन्यवाद। टीवी इंडिया न्यूज के लिए पंपल कुमार की रिपोर्ट, रुपौली, पूर्णिया, बिहार।